आप लोगों को माइंड में जो नमक की खूबसूरत मस्जिद दिखाई जा रही है, ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जो नमक की और नमक की माइंड के अंदर मौजूद है। इतनी ज्यादा धूल मिट्टी है, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी है, रास्ते में अभी वापस आ रहे हैं तकरीबन। मरहबा हबीबी, तो आ गए दोबारा से स्टार्ट है यहीं से ब्लॉग जहाँ पर एंड कर रहे थे। पीछे देखो, पीछे तू देखो। अभी जो है हमने ट्रेन पे सफर करना है यहाँ से, तो यहीं से फिर आपको इंशाल्लाह आपको कहा था कि कंटिन्यू करेंगे और टोटल आपको जो है ना अंदर जो है साल्ट माइन खेवड़ा जो है आपको अंदर से टोटल एक्सप्लोर करेंगे। पिछली बार आपको पता था कि रोक के रखा हुआ था यहाँ पर कोई भी नहीं है अंदर, तो यहाँ पर ये फायदा हो गया अभी जाके यहाँ से वॉशरूम वगैरह करके फिर वहां से ट्रेन से आपको दिखाते हैं टोटल व्यू। हमारे साथ रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। एंट्री यहाँ से हमने करनी है, बैठ गए ट्रेन में, अब इंतजार है बस ट्रेन चले तो फिर चलते हैं आगे। छोटी करन ले जाएगी यहाँ से, खोल दिए वो पीछे ही रहेगी बाकी। ट्रेन का भी रास्ता एक ही है और पैदल भी इसी में से एक ही सुरंग है। केवड़ा माइन मेरा से आया, मेरा से मेरा मेरा ये किस तरफ है? जैसे सरगोधा में है। सरगोधा किस वहां से आए? सिर्फ यहाँ पर। और आप? जेलम। जेलम हमारा तो नजदीक है ना। बस बस अगे पैदल अंदर अगे पैदल पैदल हाँ जी आ जाओ वापस। ये है जी केवड़ा कान, केवड़ा नमक की कान। मैं नमक की दो बड़ी मांगी, जो पहले नंबर पर है वो है पोलैंड में क्राको साल्ट माइन है, और दूसरे नंबर पर ये साल्ट माइन छोड़ा है। और ये माइन दरिया तो ये 326 कबल मसीह सिकंदर आजम के दौर में, सिकंदर आजम और राजा पोर्स के माबेन जंग थी दरिया झेलम के किनारे, जो उसके फौजों के घोड़े थे वो इन पहाड़ों के चढ़ने के लिए आए, तो इन पहाड़ों के पत्थरों को चाटते पाए गए। फिर पता चला कि इन पहाड़ों के अंदर नमक, उस वक्त से नमक की तलाश शुरू, नमक निकालना शुरू है। और ये माइन टोटल 17 मंजिलों पर, 5 मंजिलें इस ग्राउंड लेवल के ऊपर, 11 इसके नीचे हैं अंडरग्राउंड। बैक साइड में देखें तो माइन इसी तरह रूम एंड पिलर चलती है आमने सामने। माइन से 50% निकाला जाता है, 50% पहाड़ की मजबूती के लिए आगे पिलर छोड़ दिया जाता है, इसीलिए पहाड़ महफूज खड़े। ये देखें जी बड़ी प्यारी लाइटिंग वगैरह हुई है और ईंट बनी हुई है इसकी है। नमक जी इसके बारे में थोड़ा सा मैं ना जी जी, अब यहाँ पर मैं सामने एक पानी का तालाब आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और आप लोगों को ये बताया जाए कि ये पानी आया कहाँ से। ठीक, ये पानी जेरे जमीन नीचे से नहीं है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ऊपर पहाड़ की हाइट है 2500 फुट, और 2500 फुट पहाड़ों के ऊपर जो बारिशों का पानी स्टॉक खड़ा रहता है, ये नमक से रास्ता बना के हमारी माइन के अंदर दाखिल हुए। ये नमक वाला पानी है, पीने के काबिल नहीं, फिर भी पानी जो है ये अदारे का मिनरल वाटर से ज्यादा कीमती है। बाहर एक फैक्ट्री है आईसीआई सोडा फैक्ट्री, ये पानी अदारा उसको देगा, इसमें कुछ पत्थर कुछ केमिकल और मिलाकर कपड़े धोने वाला सिर्फ सोडा और मीठा सोडा बनेगा। ये हमारी माइन में 100 तालाब पानी के मौजूद है और 50-50 फुट गहरे है। पानी डेड सी होते, खुदा न खासा कोई आदमी इसके अंदर नीचे गिर जाए वो डूबता नहीं, मगर यहाँ पर हम किसी को खुशी से छलांग लगाने नहीं देते, क्योंकि इस पानी के अंदर नमक के कुछ केमिकल ऐसे मौजूद हैं जो जिल्द को खराब कर देते हैं। चंद कदम आगे नमक तोड़ने का तरीका बता। तू बाद आ जा, बाद आ जा, मनु नमक है थोड़ा, ये जो रश है ना जी सर सेपरेट चलेगा, आवाज भी सही आएगी हमें, कोई चीज पूछना चाहे पूछ भी लेंगे। ओके गुड। दुनिया की खूबसूरत जो है ना मुसलमानों के लिए मस्जिद, यहाँ पर
आप लोगों को माइंड में जो नमक की खूबसूरत मस्जिद दिखाई जा रही है, ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जो नमक की और नमक की माइंड के अंदर मौजूद है। ये हमारे मजदूरों की बादशाही मस्जिद, यहाँ पर बकायदा नमाज होती है। मस्जिद से सामने आगे मीनारे पाकिस्तान बना गया है। इस रोड का नाम मार रोड और लाहौर शहर की याद ताजा है मीनारे पाकिस्तान तक। खूबसूरत खूबसूरत, थोड़ा ऊपर देख लें, ये जो वाइट 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 यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये नमक के पानी से बने हैं। अभी भी इस कदर पानी मौजूद, और इस पानी में इतना नमक मौजूद है, जहाँ पर पानी गिरेगा, हवा लगेगी, खुश्क होगा, तो ये दोबारा नमक की पहाड़ियाँ बनेगी। इतना भी पत्थर दिला अभी मेरे साथ हो, कहे मान मैं नमक वाला पानी नहीं पीऊंगा, मैं पिला सकता हूँ। अच्छा। और नमक पिला सकता हूँ। जो आ गया वो आपको पानी पिला के दिखाऊं। बच्चों को पानी पिलाएंगे जी अभी। बेटा आपने बात हैंड आगे करके यहाँ से पानी टेस्ट कर लेगा, वो किसी पेपर से फेल नहीं होगा। फिर ये किसी मुकद्दर वाले बच्चे को पानी मिलता है, पीछे से धक्के ज्यादा मिल जाते हैं। बेटा आगे हो, ये तो मुझे पहले होना चाहिए था स्कूल दौर में, जब 8वीं से फेल हो गए थे। इससे पहले कभी इतना मीठा पानी आपने पिया, इस बच्चे को बताओ। हम ऐसे पानी भी पिला ले। ये जी आगे आगे मगर लख दी, ये भी ये इधर इधर ये ना डीट हो गया। असल में मैं आपको सही बात हूँ, ये डीट हो गया। मीनारे पाकिस्तान नमक से बना हुआ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तालाब, यहाँ पर भी ईंटें लगी हुई है बड़ी प्यारी। आप डायलॉग सुनाने लगे, मैं समझा आप कहने लगे हैं कि रजिया इन गुंडों के सामने नहीं नाचना। ऐसी बात नहीं करता जो लोगों को अच्छी ना लगे। अब मैं इन सब बच्चों को नमक खिला के दिखाऊंगा। सारों को उल्टियां कार छोड़नी है ना, ना इतने सीधियां ही करनी। रिजल्ट की यार थोड़ी सॉरी, रिजल्ट थोड़ा सा ऐसे ही अंदर। आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप तमाम लोगों को नमक ही नमक नजर आएगा। फिर ये आगे जो ब्रिज है, इसमें नीचे कोई सरिया सीमेंट कार्डर वगैरह नहीं होगा, मुकम्मल साल्ट ब्रिज। नीचे होगा 50-50 फुट गहरा पानी, ऊपर होगा नमकीन पुल। भाई ये नमकीन पुल क्रॉस करके आप लोग नमकीन जन्नत में होंगे, और नमक से बदला होगा। ओके जी चलो, नमक है, नमक का ब्रिज, नमक वाला पुल, नमक वाला पुल यार, नमक वाला पुल दोस्तों। सर जी ऊपर तो ये सारा सीमेंट है, ऊपर सीमेंट लगाया है, बच्चे स्लिप होके गिर जाते हैं नीचे। अच्छा नीचे नमक है प्योर। हाँ मेरे पास आए जी जी सर। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये बच्चों हमारी मान के सर, यहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि अगर आप अपने फिंगर के साथ इन दोनों दीवारों को टेस्ट कर लेंगे तो एक नमकीन होगी एक मीठी होगी, चेक करना हो तो जल्दी करो ताकि दूसरे अंदाज बता दूं। सारा जिना दाल आने लगे बच्चों, मैं तुम दस दिया चुप कर जल्दी जल्दी सारा दाल है। अब तो नमक नमक होता है, कभी भी मीठा नहीं होता है। मैं पहले आ रहे थे, मैंने बोल दिया है वापस जी, हम आ गए उसी चौक में, आगे से घूम के टोटल आपको मेरा शरीर ट्रेन को बाहर ले गया, आप इसको बुला कर। ठीक है, नमक से बना हुआ काउंटर है जी, टोटल डिटेल मालूमात यहाँ पर है, मीनारे पाकिस्तान, क्रिस्टल वैली, शीश महल, तालाब वगैरह सब कुछ देखते हैं। ट्रेन का वेट अभी तक तो नहीं आई, देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद शायद आ जाए, फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर। हमारी ट्रेन आ गई है जी, अभी वहाँ से दूसरी सवारियाँ लेके आई है। लागिए चलो जी आ जाओ। टोटल हो गया जी, आपको टोटल रिव्यू करवाया, मजा आया और बड़ा ही अच्छा व्यू है यार, व्यू चेक कर रहे हैं। बाइक उठाना है, बाइक उठाते हैं, चलते हैं फिर आगे होटल कोई देखते हैं, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद यहाँ से वापस फुर घर आ गए। अभी आपको टोटल यहाँ से व्यू करवा दें एक दफा भाइयों को, वो उस साइड पर हम गए थे, वो तो वहाँ पर उन्होंने सुरंग वगैरह बनाई है, मेरे ख्याल में सारी जो है ना यहाँ पर नमक ही नमक है। खाना वगैरह खा लिया, अब चलते हैं यार वापस घर की तरफ।
A few moments later. हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? देख रहे भी हालत यार, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी है, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी है। रास्ते में अभी वापस आ रहे हैं, तकरीबन 15-20 किलोमीटर का सफर रह गया अभी। आप हालत देखे यार, ऐसे ना मुझे पता है अभी क्या करें, हालत बड़ी टाइट हुई है। मोटरसाइकिल की भी, मोटरसाइकिल ये देखें इसकी भी हालत, मुंह का फिटे मुंह होते हुए मुंह का फिटे मुंह हो गया यार। अभी बस थोड़ा ही सफर रह गया, घर पहुंचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ओके, क्या हाल चाल है जी? यार मैं आके ना कल सो गया था, शाम को काफी लेट आया हूँ, तो मैं फिर ना घर पर आके आते साथ ही सो गया था। थकावट जो है काफी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि सफर काफी लंबा था और धूल मिट्टी अपनी हालत बहुत खराब हो गई थी, तो वीडियो भी एंड करने की याद नहीं रही। तो मैं अभी यहाँ पर जो है बस वीडियो को एंड ही करूंगा। और वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करने हैं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपको डेली मेरे यूट्यूब पर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दें इजाजत। गुले गुले।